हर की पैड़ी पर सीएम धामी और श्री रविशंकर ने की गंगा आरती। कहा प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने की मुलाकात। सदन संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सब्जी और फल हुए महंगे। नींबू की कीमत 200 रुपए पार। उत्तराखंड में 6,46,000 राशन कार्ड फर्जी। सत्यापन अभियान में हुआ खुलासा। उत्तराखंड के दो जिलों में मिले सिर्फ 3 नए कोरोना संक्रमित। अब सक्रिय मामले लगातार हो रहे कम। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले सप्ताह में भी नहीं बढ़ से मेघ। जुंगल में फैली आग। वन विभाग के फूले हाथ पांव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और हरिद्वार से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर पूरे देश में एक तरफ जहां क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है, तो वहीं इस समय आईपीएल का सीजन भी शुरू हो चुका है। घर घर में क्रिकेट मैच देखे जा रहे हैं, वहीं क्रिकेटरों की सराहना भी की जा रही है और पंचायती निरंजनी अखाड़े में साधु संत भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। साधु संतों ने क्रिकेट खेलते हुए पहली बार ही आपने उनको ऐसे देखा होगा, जहां पर पूरे देश में क्रिकेट टीम इंडिया और आईपीएल की टीमों घर घर में प्रशंसा हो रही है, तो वहीं साधु संत भी क्रिकेट खेलकर अपना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं और आम लोगों को फिट रहने का मैसेज भी दे रहे हैं। संतों ने बताया कि हम पूजा पाठ करने के बाद दोपहर के समय खाली रहते हैं, जिसको लेकर हमने सोचा कि अब क्रिकेट खेलकर ही अपना समय व्यतीत करें, इससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे और अच्छे से पूजा पाठ पर ध्यान लगा सके। आईपीएल सीजन हुआ शुरू और वहीं साधु संत भी अब मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन साधु संतों का यूं क्रिकेट खेलते हुए वीडियो अचंभित कर देने वाला है। एक तरफ जहां आईपीएल का सीजन शुरू हुआ, तो वहीं साधु संतों ने सोचा कि वो क्रिकेट खेले, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कि अपनी वो है, हमारा तो खाली एंजॉय के है, अपने थोड़े एक्सरसाइज के लिए है, क्योंकि हमें ज़्यादा इधर उधर घूमने का समय नहीं मिल पाता है, पूजा पाठ से समय नहीं मिल पाता है, इसलिए अपना सभी महात्मा लोग मिलकर के बड़े छोटे गुरु भाई हैं सभी, और सभी अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसका क्या फुर्ती, इसलिए हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए फुर्ती है, वरना इतना भारी शरीर हो गया बैठे बैठे क्या करें। के बाद भोजन के बाद थोड़ा महात्मा फ्री होते दिन में, तो एक्सरसाइज के तौर पे थोड़ा खेल हो जाता है 1-2 घंटे के लिए, इससे मनोरंजन भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी बनी रहती है, शरीर भी फिट रहता है, इसी कारण के लिए हम थोड़ा खेलते रहते हैं यहाँ पे सब महात्मा लोग आपस में। गृहस्थी में कोई नहीं खेलता, सिर्फ महात्मा महात्मा आपस में मनोरंजन के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आईपीएल देखते रहते हैं तो उसमें जो है खिलाड़ियों को देख के थोड़ा जोश तो रहता ही है। नहीं, ये धूप में क्या पसीना भी निकल जाता है और इससे एक्सरसाइज बराबर रहती है, इसमें जिम जाने की आपको जरूरत नहीं है, योगा की भी इसमें जरूरत नहीं है, इसमें सब आपके पूरे पुर्जे चलते हैं, हाथ पैर सब, भाग दौड़ होती है तो पूरी एक्सरसाइज रहता है, तो पसीना निकलना अच्छा चीज है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा, सीएम धामी का रुड़की दौरा आज 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से वीआईजी ग्राउंड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधायक प्रदीप बजपा से करेंगे मुलाकात। विधायक की आवाज पर करेंगे मुलाकात। जीवन दीप आश्रम जाएंगे सीएम धामी। आईआईटी के 175 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आईआईटी कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की जाएंगे, आईआईटी के 175 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें
शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से डीआईजी ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा। विधायक के आवास पर भी करेंगे मुलाकात। हरिद्वार के उद्यमियों ने फार्मा इंडस्ट्री में भविष्य तराशने का प्रयास करते हुए उद्यमियों की संस्था सिडकुल में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा 3 दिवसीय फार्मा एंड लैब प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका विधिवत तरीके से शुभारंभ हो गया है। विकास भवन में शुरू हो गई इस प्रदर्शनी में देश के तमाम बड़ी फार्मा कंपनियों, फार्मा इंडस्ट्री के अवसर देखने वाले उद्यमियों के साथ ही फार्मा से जुड़े छात्र छात्राओं को इन्वाइट किया गया है। जो ये आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये 3 दिन का कार्यक्रम है और इसमें देश विदेश की 70 कंपनियां भाग ले रही हैं और फार्मा उद्योग और फार्मा से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ हमारे देश में या विदेशों में अवेलेबल है, उसके बारे में अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ का यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रही हैं। इससे ना सिर्फ हरिद्वार और उत्तराखंड के फार्मा उद्योग को एक बूस्ट मिलेगा, बल्कि नए एंटरप्रेनर्स जो लोग फार्मा में नए उद्योग लगाना चाहते हैं, इसमें आने जाते हैं, उनको सारी की सारी तकनीकी और बाकी की जानकारी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, लैब इक्विपमेंट, इसके बारे में सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पहले से ही खाने पीने के सामान में बढ़े दाम और आसमान छूते नजर आ रहे हैं। दामों में आई ताजा बढ़ोतरी जेब पर भारी पड़ने वाली है। बढ़ती महंगाई को लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप पर जनता की राय जानी। देखिए बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना है जनता का। उत्तराखंड में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन स्थित पेट्रोल पंप पे। ठीक, आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल इस वक्त जो मौजूद है, जो सादा जो पेट्रोल है, वो लगभग 103 रुपए के करीब जो पहुंच चुका है पेट्रोल, और जो डीजल के दाम हैं वो जो है 97 रुपए के करीब जो पहुंच चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा माइल जो एक्स्ट्रा पावर का जो पेट्रोल होता है वो 108 रुपए पेट्रोल रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है इस वक्त। जो तमाम जो पेट्रोल डीजल के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर CNG भी है, CNG के दाम भी यहाँ पर बढ़े हैं और जो लोग हैं यहाँ पर वो पेट्रोल डीजल डला रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राम बटन। पेट्रोल डलाने आए हैं कि महंगा लगातार हो रहा है पेट्रोल, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहली बार डरवा रहे हैं पेट्रोल। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप। भाई, आप पेट्रोल डलाने आए हैं, लगातार जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकारें जो है लगातार वादा कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है रोकने का काम करेंगे और जो दायरे में लाने का काम करेंगे। मैं कुछ नहीं करता भाई साहब ना। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो पेट्रोल डीजल के दामों पर बोलना नहीं चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान भाई, पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, अभी आप पेट्रोल डलाना है, कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि एक हफ्ते पिछले हफ्ते 94 रुपए था और अभी मेरे ख्याल से 104 रुपए है। वो इससे ये बढ़ाते हैं पैसों पब्लिक को दिखाई नहीं देता, जब रुपए में बढ़ाए तो पता चले। अभी हर हफ्ते बढ़ा देते हैं, 8 रुपए बढ़ जाते हैं, रोज का 1 रुपए का हिसाब आ जाता है। तो भाई ये तो पब्लिक तो बेचारी डलाएगी यार, काम काज करेगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तेल ही नहीं, बहुत हो रही है। आप मार्केट में जाओ, कोई सामान लेने चले जाओ, भाई साहब लूट खसोट ऐसी कर रखी है ना कि कुछ कह नहीं सकते। सरकारों से क्या कहना चाहेंगे? सरकार भाई अपना काम कर रही है। सरकार से क्या है जी, महंगाई है। और पता चलता है जब तेल ऊपर सस्ता होता है तो भी यहाँ 112 रुपये बिकता है, जब वहाँ महंगा तेल होता है तब यहाँ 120 रुपये बिकता है। तो भाई सरकार क्या कह सकते हैं, हम सरकार के बारे में हम क्या कहें? सरकार जो है वो वादा लॉलीपॉप दिया था उन्होंने इलेक्शन का, वो इलेक्शन खत्म हो चुका है। सारी सरकार जो जीतना था जिसे वो जीत चुका है, तो अब जाहिर सी बात है अब तो अपने भैया निकलेगा पैसा। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक रोष यहाँ पर जताया जा रहा है, तमाम जो तरह की जो दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं उसको लेकर वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं।
और बता रहे हैं कि जो सरकारें थी चुनाव से पहले वो साफ तौर पर कह रही थी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, जो अन्य महंगाई है, उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन जो दाम हैं वो फिर दोबारा से बढ़ने शुरू हो चुके हैं और जो उसी जो पुराने जो चुनाव से पहले जो पेट्रोल डीजल के दाम थे उन पर ही आकर अब फिर दोबारा से पेट्रोल डीजल के दाम हो चुके हैं। लेकिन सरकारें जो हैं राहत देने का काम नहीं कर रही हैं, लेकिन अब सरकार इस ओर किस तरह ध्यान देगी ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिसका साफ तौर पर जो असर इस वक्त जो सब्जी मंडी और सब्जी के दामों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून की नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम जो दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो ठेलियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ से सामान जो पूरे राजधानी देहरादून की जो आधी आबादी है वो यहाँ से सामान खरीदने आती है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से ये महंगाई जो बढ़ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है। मैम क्या नाम है आपका? राधिका चौधरी। मैम कितना असर जो महंगाई का आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जो दाम थे अब डबल होते नजर आ रहे हैं? बहुत ट्रिपल हो गए, डबल नहीं ट्रिपल हो गए। एक्चुअली डीजल भी इतना महंगा हो गया है और पेट्रोल, मतलब डीजल एंड पेट्रोल दोनों बराबर हो गए हैं। और मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो क्या ही लेगा, जो अपर क्लास को भी अफेक्टेड हो रहा है। ऊपर सब्जी इतनी महंगी हो गई है, नींबू 60 से 70 रुपये पाव हो गया है, मतलब कहाँ हम खरीद पाएंगे। कुछ लोग ये भी हैं कि जो महंगाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की महंगाई जो है वो मतलब उनके लिए मायने नहीं रखती, ये होना लाजमी है इस तरह की महंगाई। औरों से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी मैं इधर से आ जाता हूँ, कितनी महंगाई देखने को मिली? क्योंकि इतनी महंगाई ना होना चाहिए जितनी महंगाई है, हर चीज में आग लगी है, कहाँ से होगी, गरीब जिएगा। आपको भी कहीं ना कहीं महंगाई से, क्योंकि आप भी एक गरीब आते हैं, क्योंकि महंगा मिलता है, मुझे भी मिलता है महंगा। बाबू जी अब बताओ, खीरा 20 रुपए किलो आता है, 30 नहीं बिके, 25 नहीं बिके तो क्या करेंगे। सब जो पहले इस हफ्ते में की अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है डबल हो चुकी है। कितना फर्क पड़ा आपको, क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ने वाला है जो आम आदमी की जो रसोई है? महंगाई में पैसे घटते हैं बाबू जी, गरीब आदमी कहाँ से जिएगा आपका। अब बताओ इतना महंगा सौदा मिल रहा, अब यहाँ महंगा बिक नहीं पाता, अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या क्या चीजें आप बेच रहे हैं और कितना फर्क पड़ा है उन पे पहले? बहुत फर्क है बाबू जी, फर्क है। गरीब आदमी बताओ कहाँ से खाएगा, अब बताओ 10 की चीज 20 की बिक रही, कहाँ से खाएगा। और ये मद्दा मिले तो पब्लिक खाए पिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकारें जो है वादा करती है कि हाँ मद्दा करे ना, इतना महंगाई क्यों बढ़ा रहा, हर चीज में महंगाई है। तेल लेने जाओ, रिफाइंड ले जाओ, पेट्रोल इतना महंगा, सब्जी इतनी महंगी, बाबू जी अब क्या करे गरीब आदमी, कैसे जिएगा, क्या खाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सब्जी वाले हैं, जो यहाँ पे ठेली वाले हैं, वो भी महंगाई को लेकर त्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग थे वो भी मिले थे जो समर्थन कर रहे थे महंगाई का, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो ये महंगाई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता की रसोई पर फर्क पड़ने वाला है और उसकी जेब पर भी फर्क पड़ने वाला है। उसको देखने वाली बात होगी कि जो सरकारें हैं उस पर किस तरह से लगाम लगाती है और किस तरह से इस पर रोक लगाती है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। किक्षा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत में विगत दिनों कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी पर हुए हमले का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि एक अन्य फरार छोड़ा है। वे दूसरी ओर आरोपी पुलिस के सामने अपना परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता के भाई मनोज सिंधी ने इस खुलासे को गलत करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने लड़की के मामले को लेकर जो खुलासा किया वो बहुत ही गलत है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे पर कई तरह के सवाल निशान खड़े हो गए। ये खुलासा नहीं, ये लिपापोती है, अपनी आन शान छुपाने के लिए पुलिस ने ये काम किया। और मैं यही कहूँगा कि पूरी किच्छा जानती है कि ये खुलासा बिल्कुल झूठा है। और डीजीपी साहब ने यही उत्तराखंड के डीजीपी साहब अशोक कुमार जी ने किताब लिखी थी खाकी में इंसान, आज यहाँ की किच्छा पुलिस ने उसको बिल्कुल धूमिल कर दिया, उस किताब को बिल्कुल पलट दिया है। आज जो किच्छा पुलिस ने झूठा खुलासा किया है उससे कहीं ना कहीं पूरी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। जैसा कि सीओ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक लड़की का मामला उसमें जोड़ा गया, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस दिन ये कार्य हुआ उसके अगले दिन जब हम धरने पर बैठे थे, एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए और उन्होंने मेरे को बताया कि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर ये रणनीति चल रही है कि इससे कैसे बचा जाए। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़कर और उनके बयान करवाए हैं कि क्या वजह रही, मारपीट की वजह उन्होंने बताई।
जो पूरी तरीके से तथ्यों से परे है, इसमें जिन लोगों ने ये कहा है कि हमने आपके भाई को पहले समझाने की कोशिश की, अगर वो समझाने आए थे तो उनके हाथों में रोड़े कहाँ से आए, अगर समझाने का तरीका रोड़े लेके है तो वो भी हमें समझ में नहीं आता। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ ही शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को दिए हैं। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत धाम में चढ़े कार्यों एवं व्यवस्थाओं का बारीकी से स्तरीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी सहित उपस्थित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल को निर्देश देते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, विद्युत व्यवस्था को सुचारू करेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां पर पशवादून क्षेत्र में खनन पट्टों की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है। जैसे काशी क्षेत्र भी अछूता नहीं है। सूत्रों की माने तो यहां पर मानकों को ताक पर रखकर एक स्क्रीनिंग प्लॉट तो चलाया जा रहा है, साथ ही यहां पर पट्टे की आड़ में अवैध खनन भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि उपखनन से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली थाना काशी और वन विभाग कार्यालय व चेक पोस्ट से होकर गुजरती है, लेकिन इन पर कार्रवाई करने की जहमत कोई नहीं उठाता। वहीं जब इस बाबत एसडीएम काशी सौरभ असवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने वही रटा रटा जवाब दिया। सुमननगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर एजवाडीए का चाबुक चोला लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि सुमननगर सहित आसपास के देहात क्षेत्रों में सैकड़ों नवनिर्माणाधीन कॉलोनियों के रूप में आंतरिक व बाहरी प्रॉपर्टी डीलरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सरकार को राजस्व का चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भरने वाले अवैध कॉलोनी धारकों के खिलाफ बहादुराबाद के सुमननगर क्षेत्र में भी एचओआरडीए बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। एचओआरडीए विभाग ने दर्जनों बिना नक्शा पास कॉलोनियों को लगभग चिन्हित कर लिया। इसके बाद अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी थी। अब 24 मार्च बीच जाने के बाद दर्जन कॉलोनियां विभाग के रडार पर है और ऐसी दर्जन कॉलोनियों को चिन्हित कर कागजी कार्रवाई शुरू की गई है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन है और डीएम साहब का है, और एज ए बींग ए रेवेन्यू ऑफिसर जो भी फील्ड कर्मचारी है ये उनका सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर एक तो कोई भी इंक्रोचमेंट ना करें, और इसको कंटिन्यूसली टीम के द्वारा स्टाफ के द्वारा वॉच भी किया जा रहा है। अगर कहीं पर जो आपके द्वारा कहा गया है कि टीडी पुनर्वास योजना के तहत जो उनको पट्टा इत्यादि आवंटन किया गया था और उसका जो वहाँ पर रोड वगैरह डेवलप किया गया था, अगर उस रोड पर किसी व्यक्ति के द्वारा इनकोचमेंट किया जा रहा है या इलीगल रूप से कॉलोनियाँ इत्यादि डेवलप की जा रही है तो इसको अपने स्टाफ के माध्यम से प्लस एचआरडी के माध्यम से इसको दिखाया जाएगा। और ये क्लियर मैसेज है कि जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट का लैंड है, उस पर किसी भी व्यक्ति को इनकोचमेंट नहीं करने दिया जाएगा और जॉइंटली इसको एचआरडी के साथ में इसको प्रॉपरली चेक करवाया जाएगा। एचआरडीए का जो क्षेत्र है जहाँ पे प्राधिकरण के जो है जो बायलॉज है लागू होते हैं, वो टोटल हम लोग दिखवा रहे हैं कहाँ कहाँ ऐसे अवैध प्लॉटिंग है जो नक्शा पास नहीं करा रहे, लेआउट पास नहीं करा रहे, तो उसको पूरा हम लोग जो है स्टडी करवा रहे हैं और उसकी लगातार दिन प्रतिदिन हम लोग जो ऐसे चाहे वो लेआउट हो चाहे अवैध मकान हो जो बिना नक्शा पास किए हो रहे उस पर कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा। और रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए बात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर बाजपुर से, जहां पर कोतवाली में एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर एक व्यक्ति पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।
बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 6 निवासी सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचा, जहां युवक ने कोतवाली की तहरीर देकर बताया कि जम्मू कश्मीर निवासी एक व्यक्ति ने उसे रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद युवक ने 6,75,000 रुपए की रकम भेजी थी। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है, इसमें एक मोहम्मद तहजीन नामक युवक ने एक आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर निवासी एक व्यक्ति ने जो उसे बाजपुर में मिला था उससे सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर अलग अलग समय पर रुपये उससे लिए हैं, और इस मामले में एक सूचना आज थाने में उन्होंने की है। टेढ़ी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा की कीर्ति नगर ब्लॉक, गर्मियों के मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में दावा नल की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। ताजा मामला देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का है। यहां पर बीते दो दिनों से कीर्ति नगर हिंदोला खाल बड़ियारघाड़ के सेंद्री में आग के कारण कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। वहीं इस वनाग्नि के कारण पेड़ पौधे के अलावा जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अब वनों की आग कीर्ति नगर में रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। ऐसे में आग की चपेट में इलाकों में लगे फलदार पेड़ भी चपेट में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि तारकोल गर्म करने के लिए लगाई गई आग ही जंगलों में फैल गई है। वहीं कीर्ति नगर के रेंजर विजय प्रकाश ने बताया कि सादी जगह जगह वन विभाग की टीमें तैनात है, जो कि वनाग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो यहां कुछ ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीचे कर रहे हैं काम, उनके द्वारा लगाए थे। अच्छा, सड़क पे जो काम चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा लग रहा है क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुई आग। अच्छा, क्या क्या आप नष्ट हुआ है इसमें? आपका नष्ट में इसमें अमरूद के पेड़, आम के पेड़, विमल का घास के सारे पेड़। करोड़ों की आग लगी हुई है। जूडो में 120 मेगावाट की व्यासी बांध परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए तैयार है। बांध परियोजना के 60-60 मेगावाट की दोनों टर्बाइन मशीन विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हो चुकी हैं, जिसके लिए यूजीवीएनएल प्रबंधक ने बांध परियोजना की झील में पानी भरना भी शुरू कर दिया। जहां एक तरफ इस योजना से बिजली की समस्या कुछ हद तक कम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चौनासा और बावर के एक गांव इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होने जा रहा है। रिपोर्ट जौनसार बावर का एक गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जहां से विस्थापित होने वाले दर्जनों ग्रामीण गमगीन हैं। उन्हें अपना पैतृक गांव छोड़ने का मलाल तो है ही, साथ ही उनका शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश भी है। हम बात कर रहे हैं व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आए लुहारी गाँव की। यहाँ का जायजा लिया हमारे के न्यूज संवाददाता तबरेज खान ने। मौजूद है जुडो लोहारी क्षेत्र में, जो आप ठीक पीछे इस झील से लगता हुआ एक गांव देख पा रहे होंगे, ये लोहारी गांव है जो झील के लगते पानी के चलते अब डूब क्षेत्र में आने वाला है, जिसके चलते ग्रामीणों को जो प्रशासन ने 48 घंटे की मोहलत दी है, गांव में जो नोटिस चस्पा किए गए हैं, ग्रामीणों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं, वो ग्रामीणों को खाली कराने के लिए प्रशासन यहाँ पे जुटा हुआ है। आपको बता दें कि तहसील विकास नगर और तहसील कालसी के बीच बसे जुडो में बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया गया है। इसके डूब क्षेत्र का पूरा लुहारी गांव आया है, जहां मौजूदा समय में करीब 80 परिवार के लोग रहते हैं, जिनमें से आज भी कई ग्रामीण गांव में खेती किसानी करते हैं। लेकिन अब व्यासी जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है और झील में 621 RL पानी भरा जा चुका है, जिसके चलते इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए झील में 630 RL पानी रोका जाना है, ताकि 120 मेगावाट की इस परियोजना की दोनों टरबाइन चल सके। इसको लेकर प्रशासन की ओर से गांव खाली कराए जाने को लेकर कवायद की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण मुआवजा और जमीन के बदले जमीन की मांग पर अड़े रहे। बीते बुधवार को प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को 48 घंटे का गांव खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसकी मियाद सुबह पूरी हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वह लोग सालों से गांव में रह रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन लंबे समय से अपनी मनमानी करता आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वह लोग सभी परिवारों को मुआवजा और जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं। इसमें से दो रोज पहले परिवारों को मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन जमीन के बदले
जमीन नहीं दी गई। अब ऐसे में प्रशासन ने 48 घंटे में गांव खाली करने का नोटिस थमा दिया है। ऐसे में त्योहार के समय में वह लोग अपना सामान लेकर कहां जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वह आदेशों का पालन करते हुए अपने घरों का सामान तो खाली कर रहे हैं, मगर जमीन के बदले जमीन वाली मांग जब तक पूरी नहीं होती वह अपना गांव छोड़ने वाले नहीं है। इस परेशानी को तो जी बाबू बहुत से पहले से झेल रहे हैं, लेकिन अब कुछ निर्णय था कि भाई हमारा जैसे टीरी वालों को विस्थापन कराए, ऐसे हमारी भी आशा थी कि भाई हमारे भी गांव बसाया जाए कहीं, और हम यहां से तब जाना तो था ही, पता था कि भाई डैम बन रहा, आज से नहीं 50 साल पहले से डैम बन रहा था, हमें पता था कि एक ना एक दिन हमें विस्थापित होना है, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था जो आज हमारे साथ डिसीजन सरकार ने लिया। हमारा ये अधिकार था कि भाई हमारी जमीन जा रही है, हमारी इतनी बढ़िया जमीन है, हमारा कहीं पुनर्वास करती जमीन दिलवाते। 200 परिवार के करीबन है। आप लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है? हमें यहाँ पे इतनी परेशानी है कि क्या बताएं, सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के नहीं देख रही है। ये नहीं दिख रहा कि हमारी फसल है, पूरे खेत भरे हुए हैं अनाज से, और हमारा गांव मतलब कल परसों शाम को ऑर्डर निकाल दिया कि गांव खाली कर दो। गांव खाली क्यों, कैसे करें हम? गांव तो तभी खाली होगा ना जब हमें कुछ उन्होंने धनराशि दे रखी होगी। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार मतलब सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जब हमें कुछ मिला नहीं तो कहाँ जाएंगे हम सड़कों में। आप लोग कई टाइम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, मांगे 4 महीने से हमने धरना प्रदर्शन किया, फिर भी हमारे बीच में कोई भी हमारे बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने 1 महीने 10 दिन के अंदर हमारे पे 4 धाराएं थोपी है, जिससे कि हमें तुरंत गांव खाली करने का निर्देश दिया गया है। हम सरकार से यह चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे गाँव के लोग महिलाएँ पुरुष नवरात्र में व्रत रखते हैं, उनकी जो स्थान है वो स्थापित किया हुआ है, तो जाए कहाँ? 9 दिन के व्रत होते हैं, हमको तो रातों रात फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ से उठो। सरकार ये तो बताए कि हम अपना सामान यहाँ से उठा के उस जगह पे जाएं। नोटिस चस्पा करने से पहले हमें सूचित नहीं किया गया। आनन फानन में ही शाम को 5 बजे तहसील प्रशासन की टीम एक आती है और गाँव में 48 घंटे का नोटिस लेके आती है कि 48 घंटे में आपको गाँव खाली करना है। जबकि ऐसा होता है कि सेक्शन 40 में यदि इमरजेंसी क्लोज है, वो इमरजेंसी क्लोज में ये व्यवस्था होती है, यदि किसी सैन्य कार्रवाई में यदि आपका गांव आता है या सेना को वो ज़मीन चाहिए या आपका कहीं इमरजेंसी में आपको हेलीपैड बनाना पड़ता है, हवाई अड्डा बनाना पड़ता है, तो ऐसे जगह इमरजेंसी क्लोज लागू होता है, या बाढ़ अचानक आ गई या टनल बनानी पड़ती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षाओं को सामरिक दृष्टि से धारा 40 का क्लोज लगाया जाता है। वहीं प्रशासन की ओर से गांव खाली कराने के लिए तहसील और जिला प्रशासन की टीम तैनात कर दी गई है। एडीएम देहरादून का कहना है कि व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लुहारी गांव के लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है और अब नियमानुसार गांव खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि कल नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद गाँव खाली हो पाता है या नहीं, या फिर प्रशासन को बलपूर्वक गांव खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन यह तय है कि कभी आबाद रहने वाला गांव कुछ ही दिन में वीरान हो जाएगा और उसके कुछ दिन बाद यहां बनी झील के आगोश में डूबकर एक इतिहास बन जाएगा। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 11।